हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक फन क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के में बात करेंगे रियलमी सी सीरीज़ के कुछ पहले के डिवाइस, जैसे कि रियलमी सी 12, रियलमी सी 15, रियलमी सी 21, रियलमी सी 25 वाई एंड रियलमी सी 21 वाई। इन सारे डिवाइस के बारे में बात करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड 12 लेके और एस एडिशन अपडेट लेके। आप सारे बहुत मतलब आप लोग जो है बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें पूछ रहे थे कि हमें ये अपडेट देखने को मिलेगा, कब जाके देखने को मिलेगा, ये मिलेगा या नहीं। तो इस एडिशन का अपडेट रिगार्डिंग आपको बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो आज हम ये क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको इस तरह के अपडेट को भी इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करना ताकि ऐसे अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ध्यान देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेल पहले बता दूं, इस एडिशन का जो अपडेट है रियलमी अपने जो डिवाइस है सी सीरीज़ के डिवाइस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें पता है कौन से डिवाइस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ, रियलमी C35, रियलमी C33, रियलमी C30S, रियलमी जो लेटेस्ट जो है C30, इन सारे डिवाइस के अंदर C31, इन सारे जो डिवाइस के अंदर है रियलमी अपना जो एस एडिशन अपडेट एंड्रॉयड 12 का वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और कुछ और भी बजट कैटेगरी के जो एंट्री लेवल के डिवाइस है, जैसे कि 950 प्राइम हो गया या फिर 50i प्राइम, इन डिवाइस के अंदर रियलमी अपने एस एडिशन अपडेट और एंड्रॉयड 12 अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ एंड्रॉयड 13 अपडेट देने का भी वादा कर दिया है यहाँ पे, और रोड मैप पे उसका नाम भी शो करवा दिया है। इन सारे डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 13 अपडेट भी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ये जो कुछ साल पुराने मतलब कुछ साल पुराने मतलब कुछ महीने पुराने इससे और कुछ साल पुराने जो डिवाइस है, जैसे कि C25Y, C21Y, C12, C15, C21, इन सारे डिवाइस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों बात करें C12, C15, C21Y, C25Y, इन डिवाइस के अंदर इस एडिशन का कोई अपडेट कन्फर्मेशन नहीं है। रियलमी के जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी वगैरह जो रियलमी कम्युनिटी के स्टाफ है, वो लोग कह रहे हैं कि रियलमी C12, रियलमी C15 या फिर कहिए C25Y, C21Y, इन सारे डिवाइस के अंदर C21, इन डिवाइस के अंदर कोई इस एडिशन का अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें एंड्रॉयड 12 अपडेट की, तो एंड्रॉयड 12 अपडेट का भी कोई सपोर्ट आपको इन डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रियलमी 3.0 अपडेट दे दे, बट रियलमी 3.0 को यहाँ पर रिफ्यूज़ किया गया इन डिवाइस के लिए, और इन साइड डिवाइस के अंदर इस एडिशन के अपडेट को भी रिफ्यूज़ किया गया है। तो मतलब इन साइड डिवाइस के अंदर इस एडिशन अपडेट एंड एंड्रॉयड 12 का कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका फ़ोन एंड्रॉयड 11 वही रहेगा और बाकी कुछ जो OTA अपडेट्स है वही आपको देखने को मिलेगा। ये सच है, इसे आप मान लीजिए। तो ये भाई यहाँ पर रियल मैंने क्लियरली कह दिया कि सी सीरीज़ के इन डिवाइस को, जैसे कि C12, C15, C21, C25Y, C21Y, इन डिवाइस को अपडेट आपको एंड्रॉयड 12 का देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो एस एडिशन हो चाहे वो रियल मी 3.0 हो। सो कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही बैड पॉलिसी है रियल मी का, ये मुझे क्लियरली पसंद नहीं आया। एज ए 6 प्रो यूज़र्स मैं 2 अपडेट का वेट कर रहा था, वहाँ पर नहीं मिला, इसलिए मैं एक 9.5G यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अपडेट मिला है, ये एंड्रॉयड 13 भी देखने को मिलेगा। और बाकी जो डिवाइस है, कुछ रियलमी यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है कि कुछ डिवाइस को अपडेट देना चाहिए था, बट यहाँ पे रियलमी ने कुछ डिवाइस को यहाँ पे स्किप कर दिया है। ठीक है, तो इधर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मेरा देना ड्यूटी था आप लोगों के पास पहुँचाना, क्योंकि यही मेरा ड्यूटी है। आप लोग इसलिए मुझे सब्सक्राइब करते हो, इसलिए हम मेरी वीडियो देखते हो, तो मेरा ड्यूटी है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना। इधर भी मैं बोलता हूँ साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।